सिद्धेभ्या, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। और आज की हम यह कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं एक बेसिक से प्रश्न के साथ, जिसको आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने भी स्टार्ट से ही, प्रारंभ से ही उस बात को लेकर के चले हैं और उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चूँकि अपने 3 श्लोक हो चुके हैं, इसलिए तीनों श्लोकों को मिलाकर के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के मुख्य 3 बिंदु हैं, एक तो है धर्म की परिभाषा, और जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बताया था ईश्वर से तात्पर्य, और तीसरा जो हमने आपको निरुक्तार्थ और वाच्यार्थ इसके बारे में जो बात बताई थी उसको भी थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पहले श्लोक में महावीर भगवान को, महावीर स्वामी को, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को नमस्कार किया है आचार्य श्री ने, और फिर अपनी बात कहना प्रारंभ किया है। और वर्धमान शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं, एक तो महावीर स्वामी लिया गया है अर्थ, और दूसरा अर्थ लिया गया है जिनका केवल ज्ञान अतिशय रूप से बढ़ रहा है। तो जिनका केवल ज्ञान अतिशय रूप से बढ़ रहा है, ऐसा अर्थ आचार्य प्रभाचंद स्वामी ने बतलाया है, और इस तात्पर्य से 24 तीर्थंकर उसका अर्थ लिया गया है। तो वर्धमान शब्द से अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भी, और वर्धमान शब्द से 24 तीर्थंकर भी, दोनों को ग्रहण कर लिया। आगे जब भी कोई बात आती है, जब हम कोई कक्षा प्रारंभ करते हैं, धार्मिक कक्षा प्रारंभ करते हैं, तो धर्म शब्द जो है वो सबसे पहले समझना आवश्यक होता है, क्योंकि हम यह धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म ध्यान के लिए कर रहे हैं। तो धर्म क्या है ये यदि बात समझ में नहीं आई तो आगे किसी भी बात को समझने से कोई मतलब नहीं रहता है। इसी बात को लेकर के आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी सबसे पहले धर्म की परिभाषा बताई, और एक श्लोक में नहीं, 2-2 श्लोकों में बताई, दूसरे नंबर के श्लोक में भी और तीसरे नंबर के श्लोक में भी। दूसरे नंबर के श्लोक में जहाँ देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, धर्मम कर्म निवारणम और संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, कि धर्म उसको कहा जो उत्तम सुख की ओर ले जाता है और संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से बचाता है और कर्मों का नाश करता है। 3 कारण मैंने उल्टे तरीके से बताए, सीधे तरीके से ऊपर से समझते हैं कि धर्मम कर्म निवारणम, धर्म किसे कहा जो कर्मों को नाश करे, दूसरा जीवों को संसार के दुखों से निकाले और कहाँ ले जाए, उत्तम सुख मोक्ष में ले जाए, उसे धर्म कहा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बताया था ये जो अर्थ है ये निरुक्तार्थ है, या हम व्युत्पत्ति से अर्थ कहेंगे, धरति इति धर्म, जो ले जाए मोक्ष सुख की तरफ वो धर्म है। ठीक, और दूसरे श्लोक में जहाँ सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि कहा, वहाँ पर आचार्य श्री कहते हैं ये वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहा है। किसने कहा? धर्मेश्वराह विदुः, धर्मेश्वर ने कहा, धर्म के जो स्वामी हैं, धर्म के जो ईश्वर हैं, उन्होंने इन 3 को धर्म कहा है। अब पहली बात जो हमें समझानी है वो है निरुक्तार्थ क्या है और वाच्यार्थ क्या है। पिछली कक्षा में हमें भी हमने थोड़ा सा समझाया था, थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निरुक्तार्थ वो है जो एक शब्द को लेकर के और निरुक्ति करता है, अर्थात जिस तरफ हमें उसको ले जाना है उसकी अपेक्षा से उसकी व्युत्पत्ति बना देना, ये कहलाता है निरुक्तार्थ। मतलब धर्म मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसलिए हमने उसका अर्थ धरति इति धर्मा, ऐसा उन्होंने आचार्य ने बनाया है, ये कहलाता है निरुक्तार्थ। और दूसरा है
कौन सा? वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। एक शब्द अर्थ कई प्रकार के होते हैं। शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, निरुक्तार्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, और एक अन्वयार्थ भी होता है। ये वाक्य का होता है, श्लोक का। लेकिन अभी हमें समझना है शब्दार्थ और वाच्यार्थ को। अर्थ क्या कहलाता है? मैंने एक शब्द बोला, मैंने कहा कि मोबाइल। तो मोबाइल जो हमें कानों में सुनाई पड़ा वो तो है शब्द, लेकिन मोबाइल शब्द को सुनते ही हमें जो मोबाइल की आकृति दिमाग में आ जाती है वो उसका अर्थ होता है। हमने कहा जिन बिंब, तो जिन बिंब ये चार अक्षर का शब्द है, लेकिन उन शब्द को सुन करके हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो एक आकृति उभर के आती है, यकायक ही हम किसी मंदिर की कोई मूर्ति को अपने मन में सोचने लगते हैं, तो वो जो हमारे अंदर जो आकृति बनी है वो उस जिन बिंब शब्द का अर्थ होता है। अर्थ मतलब पदार्थ होता है। तो शब्द से जिस जगह पर हम पहुंच गए, जिस पदार्थ तक, वही उसका अर्थ होता है। और थोड़ा सा हम समझ जाते हैं आपको। हमने कहा पेन, तो पेन बोला, तो बोलते साथ ही आपके दिमाग में तुरंत कोई ना कोई पेन की आकृति बन जाएगी। तो पेन कोई अर्थ नहीं होता। पेन से जो जहां हम पहुंच गए, जिस पेन के बारे में हम सोचने लगे, वही उसका अर्थ होता है। तो ये कहलाता है शब्दार्थ। पेन शब्द का अर्थ है ये जिसे हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है वाच्यार्थ की। तो वाच्यार्थ क्या कहलाता है? वाच्य का मतलब होता है बोलने योग्य या कहने योग्य। तो किसी शब्द का एक अर्थ तो हो जाएगा कि डायरेक्ट हम उस वस्तु तक पहुंच गए, तो हो गया शब्दार्थ। और दूसरा होता है कि ऐसा अर्थ जिसको हम शब्दों से बोल सकें, जिसको हम शब्दों से बोल सकें, तो वो होता है उसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई शब्द हो सकता है, वो कहलाता है क्या? वाच्यार्थ, जिसको हम बोल सकें। अब हम आते हैं धर्म की ओर। धर्म शब्द का यदि अर्थ लगाएं हम, धर्म शब्द का अर्थ, धर्म का शब्दार्थ जिसे हम कहें, वो तो वचनों में नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और जो मूल परिभाषा है धर्म की वो कहलाता है स्वभाव। बत्थु स्वभावो धम्मो, ये जो पंक्ति आती है वही सही मायने में धर्म शब्द का अर्थ होता है। स्वभाव, किसी भी वस्तु का स्वभाव हो वो कहलाता है धर्म। लेकिन जब हमें उसका वाच्यार्थ लेना है, अर्थात वचनों के माध्यम से उसका अर्थ कहना है, तो उसके लिए तीसरे श्लोक में जो कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म के वाच्यार्थ हैं। अर्थात इन तीन शब्दों के माध्यम से भी हम धर्म को कह सकते हैं। ये वाच्य हैं, बोलने योग्य हैं, इनको बोलने से हम धर्म तक पहुंच जाएंगे, ये कहने का आशय है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन दोनों श्लोकों में अलग अलग तरीके से धर्म की परिभाषा बताई है। पहले मैं कहा कि निरुक्तार्थ है, अर्थात धर्म वो चीज है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। तो प्रश्न ये आता है कि वह कौन सी चीज है जो हमें धर्म की तरफ ले जाती है। तो फिर तीसरे नंबर के श्लोक में कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय जो है यही हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए निर्वाच्य की अपेक्षा से ये तीनों धर्म कहलाए। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों
ही मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, इसलिए यह धर्म है। और यह तीनों को हम शब्दों से बोल सकते हैं, इसलिए यह वाच्य हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, वाच्यार्थ कह दिया। अब दूसरी बात जो हमें बहुत ही आवश्यक है समझना, जैसे ही जब कभी हम धर्म की बात करते हैं तब हमें अचानक से हमारे दिमाग में पूजा करना, व्रत करना, नियम, उपवास, ये सारी क्रियाएं हमारे दिमाग में झूलने लगती हैं। यदि हम कहें कि वो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है कि शायद वो पूजा करता होगा, शायद वह महाराज श्री को आहार देता होगा, वह स्वाध्याय करता होगा, ये सारी क्रियाएं हमारे दिमाग में झलकने लगती हैं धर्म का नाम सुनते ही। लेकिन धर्म धर्म तो इससे अलग ही वस्तु है। तीसरे श्लोक की टीका में जब हम जो भावार्थ है उसमें जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़िए उस पुस्तक को, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जो धर्म की परिभाषाएं या धर्म जिसे कहा है वो दिया हुआ है। दस लक्षण धर्म को भी धर्म कहा है, रत्नत्रय को भी धर्म कहा है, जैसे श्रावकाचार्य जी में जिसे हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग अपेक्षा से धर्म कहा। और एक जो मुख्य रूप से जिसे कहा वो है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि वस्तु का स्वभाव वास्तविकता में वही धर्म है। धर्म का मतलब स्वभाव, और हर वस्तु का, हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है और वही उसका धर्म है। अब बात आती है कि हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, हर वस्तु का, हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है और वही उसका धर्म है, तो हम किस धर्म के पीछे जा रहे हैं, हमें किस धर्म का पालन करना है, हमें किसकी ओर अग्रसर होना है। तो फिर यहाँ समझना है कि भैया पहले तो ये बताएं कि हमारा या हम हैं कौन, मेरी वस्तु कौन सी है। जो मेरी वस्तु होगी वही मेरा धर्म होगा, उसी का धर्म मेरा धर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस धर्म की ओर जाना चाहता हूँ तो वह वस्तु मेरी होना चाहिए। जब वो वस्तु मेरी होगी तो तभी तो हम उस धर्म की तरफ जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। हम यदि बाजार में खड़े हैं और कोई कहे कि भैया हमें किस कौन से घर जाना है, तो जो मेरा घर होगा ना उसी घर की तरफ तो जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे। तो पहले पता तो होना चाहिए कि हमारा घर कहाँ है, किस जगह पर है, किस कॉलोनी में है, तब तो जाकर के हम उस घर तक पहुँचेंगे। वैसे ही यदि हम धर्म की बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, और हर द्रव्य का अपना स्वभाव है, तो फिर मैं किस धर्म की तरफ जाऊं, जीव द्रव्य के धर्म की तरफ जाऊं, अजीव द्रव्य के धर्म की तरफ जाऊं, या फिर पुद्गल जो द्रव्य है उसकी तरफ जाऊं, धर्म द्रव्य की तरफ जाऊं, अधर्म द्रव्य की तरफ जाऊं, काल द्रव्य की तरफ जाऊं, कौन सा द्रव्य है जिसका धर्म हम मुझे पकड़ना है। तो फिर बात आती है कि जीव द्रव्य उसी के धर्म को हमें पकड़ना है, समझना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अब जीव तो बहुत सारे हैं दुनिया में, अब कौन सा धर्म कौन से जीव का। तो मैं जो जीव हूँ, मैं जो जीव द्रव्य हूँ, उस जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, उस जीव द्रव्य का जो धर्म है, उस धर्म की तरफ हमें आगे बढ़ना है। ये बात यहाँ पर समझना है, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा जो धर्म है, मेरा जो स्वभाव है वो है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। ये मेरा धर्म है, ये धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और मैं जो वस्तु हूँ आत्मा, वह आत्मा का धर्म जानना और देखना है। तो मुझे उस धर्म की तरफ जाना है, ना कि अन्य पुद्गल, अजीव,
आदि धर्मों की तरफ, उनकी वस्तुओं की धर्म की तरफ। मुझे पुस्तक जो द्रव्य है, ये जो वस्तु यहाँ रखी है प्लास्टिक की, उसका जो धर्म है उसकी तरफ नहीं जाना, हमें आत्मा की तरफ जो उसका स्वभाव है, उसका जो धर्म है उसकी तरफ जाना है। और धर्म का मतलब क्या, धर्म मतलब स्वभाव, और स्वभाव मतलब होता है नेचर, नेचुरल शक्ति, नेचुरल पावर, जो प्राकृतिक शक्ति है वही धर्म है। और प्राकृतिक शक्ति में, प्राकृतिक जो शक्ति है वही सबसे बड़ी शक्ति होती है, उससे बड़ी कोई शक्ति हो नहीं सकती। और आत्मा के अंदर जो अनंत ज्ञान, जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो है ना, वो भी प्राकृतिक शक्ति है, नेचुरल है वो, उसे कहीं से लाया नहीं गया, उसे कहीं से पकड़ करके इधर इकट्ठा नहीं किया गया, वो ऑलरेडी आत्मा के अंदर है, विद्यमान है। और जो नेचुरल पावर होती है वो अनंत होती है, इसको हम वैज्ञानिक तरीके भी समझ सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए आप देखें, आज विज्ञान ने परमाणु बम बनाया, परमाणु कितना बड़ा, इतना छोटा कि उसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसकी पावर कितनी है कि यदि वो परमाणु बम किसी जगह पर गिरा दिया जाए तो कई किलोमीटर तक का हिस्सा तहस नहस हो जाएगा। क्या है उस अणु में, उस अणु में नेचुरल पावर है, नेचुरल शक्ति है, उस शक्ति का प्रभाव ही इतना विध्वंस करता है। उसी तरीके से हमें समझना है कि वो जो अणु है वो तो पुद्गल का है, ये हमारा आत्मा है, और आत्मा के अंदर जो पावर है वो तो कई गुना अन्य पदार्थों से ज़्यादा है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध। यदि शुद्ध अवस्था में आत्मा होगा तो फिर उसकी अनंत शक्तियाँ प्रकट होंगी। जैसे वो अणु हैं जिससे बम बनाया जाता है, वो अणु शुद्ध द्रव्य है, विज्ञान की अपेक्षा से तो शुद्ध ही है, धर्म की अपेक्षा से तो शायद वो भी स्कंध ही है, स्कंध ही है, क्योंकि शुद्ध अणु को तो कोई पकड़ नहीं सकता। तो विज्ञान की अपेक्षा से भी वह, मान लीजिए यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, तो यूरेनियम का जो अणु है वो क्या है, वो प्राकृतिक अवस्था का शुद्ध द्रव्य है, इस कारण से उसमें अनंत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इतना विस्फोट कर सकता है। वैसे ही आत्मा के अंदर जब वह शुद्ध हो जाती है, कर्मों से हट जाती है, कर्मों को हटने के कारण से जब वह अपने शुद्ध रूप में आती है, तब जाकर के वह नेचुरल पावर जो है, जो प्राकृतिक शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, वह प्रकट हो पाता है। जब तक द्रव्य शुद्ध नहीं होगा तब तक वह नेचुरल शक्ति जो है, नेचुरल पावर जो है, वह प्रकट नहीं हो सकती। इस बात को भी हमें समझना जरूरी है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म मतलब स्वभाव, उस स्वभाव में ही शक्ति है, और हमें बाकी वातावरण की प्राकृतिक शक्तियों की तरफ नहीं जाना, हमें अपने आत्मा, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा की शक्ति को ही प्रकट करना है, उसको समझना है और उसी को ही अपना मानना है। क्योंकि प्रकृति में तो बहुत शक्तियाँ हैं, प्रकृति बहुत बड़ी है और उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, और हर चीज़ में शक्ति है, और जिसका आप इस्तेमाल करने लगो उसी में शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें बाकी शक्तियों की तरफ नहीं, हमें अपने आत्मा जो द्रव्य है ना उसकी शक्ति की तरफ जाना है। इसलिए धर्म की परिभाषा जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये बात जरूर समझना चाहिए कि धर्म का मतलब होता है स्वभाव, और वो स्वभाव हमारे आत्मा का स्वभाव, दूसरे द्रव्यों का स्वभाव नहीं, हमें अपने आत्मा के द्रव्य के स्वभाव की तरफ जाना है। अब दूसरी बात आती है कि रत्नत्रय को धर्म क्यों कहा, जब आत्मा का ही धर्म स्वभाव है, स्वभाव ही धर्म है, तो फिर रत्नत्रय को धर्म क्यों कहा। तो फिर उस टीका में आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि चाहे दस लक्षण धर्म हो, चाहे रत्नत्रय धर्म हो,
चाहे अन्य प्रकार से जो व्याख्या की हैं धर्म की, वो धर्म हो, वो सारे के सारे कुल मिला करके वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, इसी का ही विस्तार है। या फिर उन सब को सिद्ध करने के बाद अंत तो गत्वा जीव यही पहुंचता है, वस्तु स्वभाव पर पहुंचता है, या फिर इसी को सिद्ध करने के लिए ही बाकी सारी चीज़ों की गणना की गई है या व्याख्याएं की गई हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म जो कहा है, वह भी इसीलिए कहा है क्योंकि ये वस्तु स्वभाव की ओर ले जाते हैं, इसलिए साधन में साध्य का आरोप कर दिया और उनको भी धर्म कह दिया। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि बाकी सारी जो क्रियाएं हैं वो धर्म के साधन हैं, धर्म नहीं है। मंदिर साधन है, पूजा साधन है, अभिषेक साधन है, आहार देना साधन है, स्वाध्याय साधन है, सब साधन है। साधन में साध्य का आरोप करके हम इनको धर्म कहते हैं क्योंकि ये धर्म की ओर ले जाते हैं। स्वाध्याय करना धर्म इसलिए है क्योंकि यह हमें अपने वस्तु स्वभाव की तरफ ले जाता है, इसलिए स्वाध्याय को भी धर्म कह दिया। स्वाध्याय अपने आप में किसी वस्तु का स्वभाव नहीं है, स्वाध्याय एक प्रक्रिया है, क्रिया है जो हम करते हैं, लेकिन वह क्रिया हमें वस्तु के स्वभाव की ओर ले जाती है, इसलिए वह भी धर्म है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा के लिए आज सबसे ज़्यादा मारामारी है, लोग धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, अन्य सारे धर्म है, ये धर्म नहीं है। अरे ये तो एक समूह का नाम है। जैन धर्म भी एक, हम एक जाति के अपेक्षा से जैन कहते हैं। जैन किसी वस्तु का स्वभाव नहीं है, वस्तु का स्वभाव होता तो वो भी धर्म होता, लेकिन तीर्थंकरों जिनेन्द भगवान की अपेक्षा से हमने जो जिनका अनुयायी है उसको जैन कह दिया, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया है वो मार्ग जिस समुदाय में पाला जाता है उसको भी हमने साधन की अपेक्षा से साध्य मान करके उसको भी धर्म कह दिया कि जैन धर्म। एक पूरे प्रोसेस को एक शब्द में समेट दिया। हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताना पड़ता जो हम जैन धर्म बोल देते हैं, जिन धर्म बोल देते हैं। तो जिन धर्म कहने से वो सारी प्रक्रियाएं, सारे व्रत नियम संयम रत्नत्रय दस लक्षण सब समाहित हो जाते हैं जिन धर्म कहने से। तो इसलिए इस अपेक्षा से जिन धर्म या जैन धर्म कहा। बाकी धर्म मतलब स्वभाव है, इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो आइए, आज हमने इन दो तीन बातों को समझने का प्रयास किया। आगे और भी दूसरी बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे, समझने का प्रयास करते रहेंगे। आपका भी जो भी स्वभाव, आपका जो भी इस बात पर अपना मंतव्य हो, अपना विचार हो, वो भी आप बताएं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ग्रुप में भी लिख सकते हैं, तो आप बताइए। आगे भी इस प्रकार से चिंतन मनन चलता रहेगा। चलिए आज की ये कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।